इज दिस क्लियर? अब क्योंकि ये पैसा नहीं दिया तो बैंक ने इससे वसूला डिसऑनर, डिस्काउंटेड भी आर डिसऑनर की एंट्री क्या होती है? डेटर टू बैंक, तो इसके लिए कौन है डेटर? मनमोहन टू बैंक। इसका लॉजिक समझा? बैंक ने इसके अकाउंट से 10,010 ले लिया और ये डेबिट करेगा मनमोहन को, ये बोलेगा मनमोहन को अरे साले मुझ पर भरोसा किया, बिल दिया, बिल नहीं बिल दिया और बिल दिया और तुमने धोखा दे दिया और उसने पैसा नहीं भरा तो बैंक ने किससे लिया? बैंक ने किससे पैसा लिया? देसाई से। सो नाउ एट द मोमेंट टेल मी व्हाट इज द सिचुएशन एट द मोमेंट, टेल मी इसने अपना तो दस भरा ही, इधर उसका भी भरा। तो नाउ हु इज सपोज टू रिसीव हाउ मच फ्रॉम हिम? देसाई आज टू रिसीव फ्रॉम मनमोहन हाउ मच? 10,010। अग्री बढ़ो। The routing pattern. Manmohan then accepts a new bill for 3 months for the amount due by him plus interest of ₹50. So ये renew कर रहा है, renewal हो रहा है। तो disorder तो हो गया। अभी देसाई ने मनमोहन अरे सारे तूने बिल disorder किया, पैसा ला, बोला मेरे को time दो थोड़ा, renew कर दो बिल। तो renew कर रहा है। तो renewal का first step is disorder. पार्ट पेमेंट कुछ भी दे रहा है इंटरेस्ट, तो इसके लिए इंटरेस्ट रिसीवेबल होगा, इसके लिए इंटरेस्ट पेबल। इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगा? मनमोहन टू इंटरेस्ट कितना है? 50। और इसके लिए होगा इंटरेस्ट टू देसाई 50। सॉर्टेड। फिर आएगा न्यू बिल, तो ये करेगा बीआर टू मनमोहन, कितने का मिलेगा बताइए? 10060। काय को समझा? नोटिंग चार्जेस इंटरेस्ट। और इसके लिए क्या एंट्री करेगा ये? देसाई टू बुक। अभी डेटर इज मनमोहन, हाँ मनमोहन डेटर है। देसाई इज द ड्रॉवर, मनमोहन इज द एक्सेप्टर। ये सारा एंट्री हो गया 4496। कुछ नहीं है, मैंने रिन्यूअल किया है, रिन्यूअल किया 60 तो लिखा 10,060 तो देसाई मनमोहन से मांगेगा ना, बोलेगा मेरे को 10,010 दे, तो बोलेगा मेरे पास अभी पैसा नहीं है। अच्छा मतलब देसाई ने पे किया ना, बैंक को पे किया, तो देसाई ने बोला पैसा ला, तो बोला रिन्यू कर, नया बिल चिपका दिया विद इंटरेस्ट, विद इंटरेस्ट, विद इंटरेस्ट फॉर 2 months आई मंथ एंड दिस बिल इज गेटिंग मेट। सो सॉरी, सो ये बिल का ऑनर एंट्री क्या होगा? ये रिपेंट बिल था ना, तो बैंक टू बीआर 100 और इसका आएगा बीपी टू बैंक 100। डेट क्या होगा? 3 महीने बाद। समझा? रिन्यूअल समझा? हाँ समझ। सबसे पहले देसाई ने मनमोहन पे विड्रॉ किया, मनमोहन ने देसाई पे विड्रॉ किया, यहां तक तो सब सेम था। वेट प्लीज लिसन। पहला बिल देसाई ने मनमोहन पे ड्रॉ किया, मनमोहन ने देसाई पे ड्रॉ किया, दोनों ने डिस्काउंट किया, इधर तक सब ठीक था। आइडियली क्या होना चाहिए? दोनों को 10,000 रुपए देना चाहिए था, देसाई ने दे दिया। सेकेंड बिल का पैसा देसाई ने दे दिया, बैंक फोर्थ बिल का पैसा मनमोहन ने, बिल्डिंग दोनों हो गया, तो किससे लिया बैंक ने पैसा? तो नाउ हु इज सपोज टू कलेक्ट फ्रॉम हूम? तो नाउ नॉर्मल डेटर क्रेडिटर देसाई टू रिसीव, तो मनमोहन ने बोला रिन्यू कर, तो उसने इंटरेस्ट चार्ज किया, नया बिल किया और फिर वो बिल अभी पैसा आ गया 10,060 आया विद नोटिंग चार्जेस।
होमवर्क के लिए कुछ नहीं है, रिवाइज करो ये अच्छे से, कर कब सम से बिल्कुल अच्छे बन रहे आज पर अच्छे सा रोमन आज पर देख लो चलो भाई वेल खत्म।